हम यहाँ पर पढ़ते हैं निर्गमन 8 उसके 6 और 7 पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है, तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। हम यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं कि मिस्र के जादूगरों ने मेंढकों की महामारी की नकल मारी। यह शैतान की सामर्थ को दर्शाता है। इसके आगे हम निर्गमन 8 उसके 8 से 11 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब फिरो ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इसराइली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे, अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। मित्रों, यह ध्यान देने वाली बात है कि जादूगर मेंढकों को बढ़ा तो सकते थे पर उन्हें हटा नहीं सकते थे। फिरौन इस विपत्ति से इतना परेशान हो गया था कि वह किसी भी चीज की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने इस राजा पर उस समझ की दबाव डालना आरंभ किया ताकि वह परमेश्वर कौन है उसे जान सके। हम आगे निर्गमन उसके 8 अध्याय के 12 से 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठे करके उन्हें ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। मित्रों, यह परिच्छेद हमें फिरौन के हृदय के कठोर होने का एक विस्तृत चित्र प्रदान करता है। हमें बताया गया है कि उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। इस घटना में फिरौन के हृदय में जो कुछ पहले से था उसे सतह पर लाना परमेश्वर का काम था। अब हम तीसरी महामारी को देखते हैं, कुटकियों का झुंड, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसके 16 पद से 19 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियाँ हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियाँ बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियाँ ले आएं, परंतु यह उनसे ना हो सका और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। मित्रों, यहाँ तक जादूगर परमेश्वर के हाथ के द्वारा किए गए प्रत्येक आश्चर्य कर्मों की नकल मारने में समर्थ थे, लेकिन कुछ कारणों से वे इस विपत्ति की नकल मारने में असमर्थ रहे। यदि वे छल के द्वारा था कि उन्होंने आश्चर्य कर्मों की नकल मारी, फिर भी कम से कम इस महामारी के दौरान अंततः उन्होंने इस बात को मान लिया कि परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है। धीरे धीरे परमेश्वर मिस्रियों को जता रहा था कि केवल वही एकमात्र परमेश्वर है। इन देवताओं की पूजा करना मिस्रियों के जीवन में और उनके दिनचर्या में पूर्णतया प्रविष्ट हो चुका था। इस न्याय ने पृथ्वी देवता गेब के प्रति घृणा उत्पन्न की। गेब पृथ्वी की सारी अवस्थाओं से अत्यधिक संबंधित था। गेब ही था जो फसल की दशा पर अपना व्यौरा ओसीरिस देवता को देता था। मित्रों, कुटकी शब्द का अर्थ डांस या मच्छर भी हो सकता है। कुटकी को मच्छर या डांस समझा जा सकता है। इसका मूल अर्थ है ढकना या चुटकी लेना या काटना। मजे की बात है कि आवरण डालना या चुटकी लेना या काटना और छवाना
डांस और मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, किंतु यह कुटकी का अच्छा वर्णन है। किसी प्राणी विज्ञानी ने कहा है कि कुटकियां अति विशाल संख्या में झुंड बनाकर चलती हैं और उनका मुख्य कार्य बहुत हद तक सफाई करने का होता है। आप अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं कि मेंढकों से भरे दुर्गंध युक्त देश में झुंड के झुंड कुटकियां छा गई थी। अंततः कुटकियां उस देश को मेंढकों से मुक्त कर सकती थी और इस प्रकार से उस देश के लिए वरदान भी हो सकती थी और साथ ही साथ श्राप भी। चाहे कुटकियों के द्वारा कितना भी प्रत्यक्ष लाभ क्यों ना हुआ हो, एक व्यक्ति मिस्र में अपने उन अनुभवों को बताता है जो उसके साथ हुआ है। श्री विडनेल बताते हैं कि मैंने गौर किया है कि बालू हिल रही है। नजदीकी से जांचने पर पता चला कि भूमि की सतह वास्तव में छोटी छोटी ढेर सारी किलनियों का चलता हुआ एक झुंड था। वो हजारों की संख्या में मेरे पैर पर रेंगते हुए चढ़ रही थी। तब मैं पवित्र शास्त्र के वचन पर विचार करते हुए अपने पैरों को पटकते हुए पीछे हट गया। उस वचन में इस प्रकार लिखा है, पूरे मिस्र देश की भूमि की धूल मच्छर या कुटकी बन गई। मित्रों, मिस्र जादूगर द्वारा कुटकियों की महामारी की नकल नहीं की जा सकी। परमेश्वर मिस्र की भूमि में जीवन के विरोधी अपना न्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और हम आगे देखते हैं चौथी विपत्ति, डांसों का झुंड, जिसे हम निर्गमन 8 अध्याय के 20 से 23 पद में पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना कि यहोवा तुझसे कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। मित्रों, इस समय तक विपत्ति ने मिस्र की भूमि और गोशेन की भूमि, जहां इसराइल की संतान रहती थी, दोनों को छू लिया था। प्रायः बहुत से लोग फिरौन से कह रहे थे, चूंकि गोशेन भी विपत्तियों के द्वारा प्रभावित था, इसलिए विपत्तियों की असाधारणता के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण या घटनाएं स्वाभाविक हैं। उन्होंने इस परेशानी को मिस्री देवताओं में से एक का प्रकोप माना। इस संकट काल में सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। फिर भी जब परमेश्वर ने यह घोषणा की कि अब से आगे उनके बीच अंतर होगा और आने वाली विपत्तियों में से कोई भी गोशेन देश को न छुएगा, अर्थात इसराइल के घर को नहीं छुएगा, अब वे अब से आगे न्याय केवल मिस्र देश पर पड़ेगा। चौथा न्याय डांसों की विपत्ति है। यह डांस बहुत हद तक पवित्र कीड़ा भृंग गुबरेला, जो कीड़ा गोबर में पाया जाता है, या झिंगुर के जैसे होते थे, जो मिस्र देश में जाने जाते थे। ये कीड़े अधिकतर सोने के बने हुए मिस्र की कब्रों में पाए जाते थे। वे सूर्य देवता रा के लिए पवित्र थे। इस विपत्ति की तीव्रता इस बात से प्रतिबिंबित होती है कि फिरौन इस समय मूसा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार हो गया था। उस प्रस्ताव पर ध्यान दें जिसे फिरौन ने रखा जब पवित्र गोबरेला ने देश पर आक्रमण किया। हम निर्गमन 8 के 24 से 27 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पथरवाह न करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही हम बलिदान करेंगे। मित्रों, मिस्र में पाए जाने वाले ये कीड़े अनंत जीवन के विषय में बताते हैं। कल्पना कीजिए कि यही अत्यंत पवित्र चीज अब लोगों के लिए श्राप और देश के लिए विपत्ति बन गई थी। फिरौन समझौता करना चाहता है, वह इसे चौथी विपत्ति समाप्त होने के पहले ही करना चाहता है। मूसा और हारून चाहते थे कि इसराइल की संतान जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर यहोवा के लिए बलिदान करे। फिरौन ने कहा, ठीक है, तुम बलिदान कर सकते हो, लेकिन इसी देश में रहो। यह ठीक उसी प्रकार का समझौता है जैसा कि बहुत से मसीही लोग करते हैं। यह हमेशा शैतानी होता है।
यह समझौता कहता है कि हम मसीही हो सकते हैं परंतु संकीर्ण मन वाले नहीं, अर्थात उदार मन वाले मसीही बनो और अपना जीवन न बदलो। यदि आपका जीवन नहीं बदलता है तो आप मसीही नहीं हैं। अब यह कहकर मुझे दोष मत लगाइए कि एक मसीही होने के लिए अच्छे काम करने होंगे, मैंने इसे इस तरह से नहीं कहा। हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं और किसी भी बात के द्वारा नहीं, और न ही अपने कर्मों के द्वारा। परंतु जब आप उधार प्राप्ति के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। यह पर मसीही आचरण की बात आती है। सबसे पहले आंतरिक मनुष्यत्व का बदलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे समकालीन कलीसिया ने कई समझौते किए हैं और इसलिए अधिकांश भाग अभी भी मिस्र की भूमि में है। आज आप औसत दर्जे के मसीही और औसत दर्जे के सांसारिक मनुष्य में अंतर नहीं बता पाएंगे। ये तथ्य हमें बताते हैं कि आज 50% से भी अधिक नागरिक किसी न किसी धार्मिक संस्था के सदस्य हैं। डॉक्टर मैगी कहते हैं कि जब कभी मैं हवाई जहाज पर यात्रा करता हूँ और जब उसमें कॉकटेल, जो आंशिक रूप से शराब होती है, पीने के लिए दी जाती है, तो मैं समय बिताने के लिए एक खेल खेलता हूँ। पहले मैं उन लोगों की गिनती करता हूँ जो कॉकटेल पीते थे, परंतु वे संख्या में इतने अधिक होते थे कि पूरी गिनती करनी मुश्किल होती थी। इसलिए अब मैं सिर्फ उन लोगों की गिनती करता हूँ जो कॉकटेल नहीं पीते हैं। दूसरे दिन मैं जिस जहाज पर था उसमें सिर्फ 4 व्यक्ति थे जो नहीं पी रहे थे। मित्रों, हो सकता है कि उस हवाई जहाज में कुछ मसीही लोग भी होंगे जो मिस्र की भूमि में बलिदान कर रहे हैं। वे उदार मन वाले हैं और वे परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना नहीं चाहते हैं। वे संसार की तरह जीवन जीना चाहते हैं। आज हम 2 घोड़ों के साथ रेस या दौड़ में हैं। एक घोड़ा काला है और दूसरा सफ़ेद है। यदि आप दोनों की सवारी करना चाहते हैं और अपना एक पैर एक घोड़े पर और दूसरा पैर दूसरे घोड़े पर रखते हैं तो जल्द ही आप एक अनोखी बात की खोज करेंगे। ये दोनों घोड़े विपरीत दिशा में दौड़ेंगे। आपको पहले तय करना होगा कि आप किस घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। मूसा फिरौन के समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। मूसा ने जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर इसराइल द्वारा अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करने पर जोर दिया है। उसके बाद फिरौन दूसरा समझौता करने का निर्णय लेता है। हम निर्गमन 8 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। मित्रों, इस समय फिरौन की छूट उसके दूसरे समझौतों से लेश मात्र भिन्न था। वह कहता है बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। यह फिर से उसी प्रकार का समझौता है जिसे हम देखते हैं कि बहुत सी कलीसियाएं, यहां तक कि रूढ़िवादी कलीसियाएं, संसार के कार्यक्रम को अपना रहे हैं। वे अपना संपूर्ण कार्यक्रम दावतों, पदोन्नति, प्रतियोगिता वगैरह में बिताते हैं और बहुत सी कलीसियाएं इतनी अधिक सांसारिकता से भर गई हैं कि उनमें और संसार में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि उनकी संस्थाएं हैं और उनके सदस्य हमारे लोग हैं, उसमें कोई भी भेद नज़र नहीं आता है। हम निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसके 29 से 32 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हों। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए नाही ना करे। सो मूसा ने फिरौन के पास जाकर यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन्न किया और उन लोगों को जाने न दिया। मित्रों, फिरौन अपना हृदय कठोर कर रहा है और जो कुछ उसके हृदय में पहले से है उसे परमेश्वर उससे प्रकट करवा रहा है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है, इसलिए अब हम अध्याय 9 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है। मिस्र के पशु महामारी से मारे गए। मरी का अर्थ होता है मौत। उसके लोग भी फफोलों और फोड़ों से पीड़ित किए गए। वे फोड़े दुखदायक करने वाले और फूटकर बहने वाले थे। अंततः परमेश्वर एक भयंकर आंधी के दौरान ओलों की महामारी भेजता है। फिर इसके आगे देखते हैं कि परमेश्वर फिरौन के हठीले हृदय और उसके लोगों के साथ व्यवहार करना जारी रखता है,
जितनी देर फिरौन प्रभु परमेश्वर का विरोध करेगा उतनी ही तीव्र वेदना और घोर विपत्ति मिस्र देश की ओर अर्थात भूमि पर और उसके निवासियों पर उंडेली जाएगी। इस अध्याय तक हमें बताया गया है कि फिरौन ने अपना हृदय कठोर किया और अब हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया। फिरौन द्वारा प्रभु परमेश्वर को मानने और उसकी इच्छाओं का पालन करने से लगातार इनकार करने से परमेश्वर की सामर्थ विनाश को ले आई। परमेश्वर हम पर आशीषों की बारिश करना चाहता है और हमें बचाना चाहता है, परंतु हमारा इनकार आशीषों को श्राप में बदल सकता है। फिरौन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब हम पांचवी विपत्ति मरी को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1-7 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े गधे ऊंट गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी, और यहोवा इसराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इसराइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए परंतु इसराइलियों का एक भी पशु न मरा, और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था, तो भी फिरौन का मन सुन्न हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। मित्रों, इस समय तक कोई सोच सकता है कि फिरौन प्रभावित हो जाएगा और इसराइल की संतान को जाने देगा। यह बात स्पष्ट है कि इस विपत्ति में परमेश्वर का हाथ है और वह इस राजा और उसके लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। एक पर्यटन समूह के साथ डॉक्टर मैगी ने पिरामिड की सैर की। वो बताते हैं कि जब वे लोग घूमकर वापस लौटे तब उनमें से एक व्यक्ति ने जो उस क्षेत्र को जानता था कहा, क्या तुमने शाणों के मम्मी को देखा? उन्होंने कहा, नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, ओह, तुमने बहुत महत्वपूर्ण चीज को खोया है। सो उस समूह के बहुत से लोग उनकी तस्वीर खींचने के लिए वहां पर वापस गए, पर डॉक्टर मैगी उस कड़ी धूप में 12 मील चलकर शाणों की मम्मी को देखने के इच्छुक नहीं थे, परंतु वे वहां थी। यथाशब्द वे सैकड़ों की संख्या में 100 पेटी में दफनाई गई थी। पुरातत्ववेताओं ने अभी कुछ समय पहले उनकी खुदाई करना आरंभ किया। एपिस नामक काला सांड मिस्र में पूजा जाता था। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर जिसे मिस्र ने बनाया था वह मेम्फिस में स्थित था, और काला सांड एपिस की उपासना करने के लिए था। एपिस को मेम्फिस का पति का अवतार माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि एपिस चांद के प्रकाश की किरणों के द्वारा उत्पन्न हुआ था। लोग उसके कई विशिष्ट गुणों के कारण ऐसा मानते थे। लोगों का मानना था कि एक नया एपिस हमेशा पुराना एपिस की मृत्यु के बाद जन्म लेता है। मृत सांड को सड़ने से बचाने के लिए सुगंधित मसाले लगाकर मेम्फिस में दफनाया जाता था। उसके बाद उसका आत्मा संसार से पार होकर ओसिरिस एपिस के रूप में चला जाता था। आप कहेंगे कि यहाँ पर वे रोगग्रस्त पशु की उपासना करते थे। परमेश्वर इस बात पर अवश्य हंसा होगा। मूर्ति पूजा की इस भयंकर और डरावनी विधि व्यवस्था के विरुद्ध परमेश्वर अपना न्याय स्थापित कर रहा है। इस व्यवस्था ने मिस्री लोगों को और साथ ही साथ इसराइलियों को भी जकड़ रखा था। हम बाद में देखेंगे कि इसराइली भी मूर्ति पूजा करने लगे थे। मित्रों, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसराइली करें, वे वही काम कर रहे थे, इसलिए वह अपने न्याय को स्थापित कर रहा था। मित्रों, आज हमारे जीवन में भी यदि हम उस कार्य को करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है तो न्याय का सामना करना पड़ सकता है, परंतु एक मार्ग है कि आप उस कार्य को करना छोड़ दें जो वह पसंद नहीं करता है, तो निश्चय ही आप आशीष को प्राप्त करेंगे।